हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टीजीटी के सॉल्व पेपर देखेंगे, किस ईयर का, 2010 का। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोट द फॉलोइंग लाइन, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। सो ये जो लाइन है ये पी बी शेली की है। नेक्स्ट है हमारा, द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल्स इज, नाइटिंगेल्स के ऑथर कौन है, रॉबर्ट ब्रिजेस। ये हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑफ विच पोयम इज द फॉलोइंग लाइन अ पार्ट, किस पोयम से ये लाइन ली गई है, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। ये ग्रे की एलिजी से लाइन ली गई है। नेक्स्ट है हमारा, द एल्केमिस्ट इज अ, एल्केमिस्ट क्या है, ये एक नॉवेल है। अगला है हमारा, एन एलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन, जो एलेक्जेंड्राइन है एक ये वर्स लाइन होता है किसमें, इन एन आयम्बिक पेंटामीटर। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है हमारा, डब्ल्यू एच ऑर्डन बिलोंग्ड टू द, जो डब्ल्यू एच ऑर्डन है वो हमारे 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है हमारा, फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट, थॉमस हार्डी ने अपने जीवन के आखिरी 30 सालों में क्या नहीं लिखा है उन्होंने, ही डिडेंट राइट नॉवेल्स। अगला है हमारा, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री इज ऑप्टिमिस्टिक, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री है वो ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट है हमारा, मिल्टन अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहे जाते थे। सो हमारा राइट आंसर क्या है, अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। नेक्स्ट है हमारा, ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज, एज अ क्रिटिक ड्राइडन क्या थे। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी, ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज अ अपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थियोरीज ऑफ एरिस्टोटल। नेक्स्ट है हमारा, आइए ये हमारा है क्वेश्चन 11 से 16 तक, इसमें हमको करेक्ट सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उन वर्ड को देखना है जो करेक्टली करेक्ट हैं। सो हमारा है पहला क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है एप्लेंट। सो हमारा इसमें सही क्या है, बी। एप्लेंट की स्पेलिंग होती है ए पी ई एल एल ए एन टी। नेक्स्ट है हमारा, बीलजेबब, सो हमारी जो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, बी ई ई एल जेड ई बी यू बी, बीलजेबब इज द, ये हमारा राइट आंसर है। थर्ड है ये 13 हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जेजरेशन। सो एग्जेजरेशन की राइट स्पेलिंग क्या होती है, ई एक्स ए डबल जी ई आर ए टी आई ओ एन, एग्जेजरेशन। सो ये भी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, ये हाइड्रोकॉर्टिजोन। सो हाइड्रोकॉर्टिजोन की जो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें ये सी वाली सही है, क्या है, एच वाई डी आर ओ सी ओ आर टी आई एस ओ एन, हाइड्रोकॉर्टिजोन। नेक्स्ट है हमारा सफ्रेजेट, तो हमारा देख लेते हैं सफ्रेजेट की सही करेक्ट स्पेलिंग इसमें कौन सी है, दिस वन सी, हाँ, एस यू एफ एफ आर ए जी ई टी टी ई, सफ्रेजेट, दिस वन इज द राइट वर्ड। अगला है हमारा नार्सिसस, सो नार्सिसस जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इसमें देख लेते हैं, एन ए आर एस आई डबल एस यू एस, ये हमारी राइट स्पेलिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू ट्रेस द पार्ट विच आर इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, हमको उन पार्ट को देखना है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। सो आइए देखते हैं, 17 क्वेश्चन नंबर है, द डायरेक्टर फेल्ड इन द फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड, इसमें जो हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है दैट इज बी। अगला है हमारा, नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगैन टू रेन,
इसमें ये बेसिकली ये जो हमारा सेंटेंस ये पूरा ही ग्रामेटिकली करेक्ट है, सो इसमें नो इरर, सो ऑप्शन हमारा डी होगा। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। हैड ही रीच्ड द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर ही हैड कॉट द ट्रेन, इसमें जो है हमारा ये सी है दैट इज रॉन्ग, सो ही हैड कॉट द ट्रेन, ये हमारा गलत ऑप्शन है। अगला है हमारा ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग, सो ये हमारा जो 20 है इसमें जो पहला ऑप्शन है ये दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर विनिंग अ स्कॉलरशिप एंड बीइंग अवार्डेड द गवर्नर्स मेडल, लास्ट वन है हमारा नो इरर, सो इसमें जो करेक्ट है वो क्या है हमारा बी जो है दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, फॉर विनिंग अ स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है हमारा द फर्नीचर परचेज्ड बाय मी इज सब स्टैंडर्ड एंड नॉट फिट फॉर माय ड्राइंग रूम, इसमें हमारा जो ए है दिस वन इज ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें विंडिक्टिव मीन्स क्या होता है, राइट इज रिवेंजफुल। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ट्यूमल्टुअस मीन्स क्या होता है, ट्यूमल्टुअस मीन्स कॉजिंग डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है रेटिसेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, सो रेटिसेंट का जो ये इसमें इसका मतलब बेसिकली होता है रिजर्व्ड। नेक्स्ट है हमारा नॉसियस मीन्स सिकनिंग। अगला है हमारा हाइपोथेटिकल मीन्स फिलोसॉफिकल। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है ना। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें द मर्मरस हॉन्ट टू फ्लाइज ऑन समर ईव्स, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये हमें देखना है, द मर्मरस हॉन्ट, सो इसमें ओना मोटा पोइया है। नेक्स्ट है हमारा ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेजेस, द फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सी है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले लिखा नहीं गया है, सो हमारा बी सही है, सी सही है, डी सही है, ये तीनों एडवर्ड सेकेंड मिड समर नाइट्स ड्रीम और किंग हेनरी फोर्थ, ये तीनों शेक्सपियर के प्ले हैं, और ये जो मच एडू अबाउट नथिंग है ये शेक्सपियर के द्वारा प्ले नहीं लिखा गया है। आइए अगला देखते हैं, पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, पोर्शिया किस प्ले की हीरोइन है, सो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला है द लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल, हर इन्फिनिट वराइटी ऑकर इन, ये हमारा एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से ये लाइन ली गई है, द एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वराइटी। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारी ये लाइन है द लाइन्स द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इट इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन, ये हमारी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन्स है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ये किसकी लाइन है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम की लाइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉयलिटीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज द डायलॉग इन अ प्ले बाय, ये किसके प्ले में डायलॉग है, ये गॉल्सवर्थी का जो प्ले है उसमें ये एक डायलॉग है, क्या है, लॉयलिटीज क्रिस क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा द ऑथर ऑफ सी सैमसन एगोनिस्टिस के ऑथर कौन है, वो हैं हमारे जॉन मिल्टन।
नेक्स्ट है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द फ्लेशी स्कूल ऑफ पोएट्री, कौन से पोएट हैं इसमें जो फ्लेशी स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते हैं? सो इसमें कौन है? करेक्ट आंसर इज डी, डीजे रोसेटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ईएम फोस्टर बिलोंग्ड टू, ईएम फोस्टर ये किससे बिलोंग करते थे? ये द ब्लूम्सबरी ग्रुप से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है हमारा बीट राइटर्स, जो बीट राइटर्स हैं उन्होंने रोट इन 1950s। नेक्स्ट है हमारा ब्यूकॉलिक, व्हाट इज ब्यूकॉलिक? ब्यूकॉलिक रिफर्स टू द पोएट हु रोट पेस्टोरल पोएट्री, वो पोएट जिन्होंने पेस्टोरल पोएट्री लिखा उनको ब्यूकॉलिक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी पोएट्स। आइए आगे देख लेते हैं। कथारसिस, सो कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजडी। नेक्स्ट है हमारा कोरस, व्हाट इज कोरस? कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, जो कोरस होते हैं वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, वो किसमें होते हैं? ये ड्रामा में होते हैं। आइए अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कॉमिक रिलीफ, व्हाट इज कॉमिक रिलीफ? नेक्स्ट है हमारा कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज द इंटरवल इन अ प्ले और फिल्म, किसी भी प्ले या फिल्म में ये इंटरवल को इम्प्लाई करते हैं। सो कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज द इंटरवल इन अ प्ले और फिल्म। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, मॉरेलिटी प्ले वो प्रोड्यूस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, जो मॉरेलिटी प्ले थे ये कब प्रोड्यूस हुए हैं? 15th और 16th सेंचुरीज में। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, व्हाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट। सो इसमें जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्यों है? ये इसमें जो लविंग हेट दोनों की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47, पैरेबल इज, पैरेबल क्या होता है? पैरेबल इज अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल, वो ब्रीफ टेल होती है जो कुछ मॉरल को इलस्ट्रेट करे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 से 52 तक, इसमें नरेशन को हमें चेंज करना है, चेंज द नरेशन इन द फॉलोइंग। सो हमारा यही, इसको भी देख लेते हैं। द किडनैपर्स सेड इफ यू डोंट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय। सो ये बेसिकली हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है जो इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, चेंज द नरेशन इन द फॉलोइंग, ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो अकॉर्डिंगली जो डायरेक्ट है हमको उसको इनडायरेक्ट में, और जो इनडायरेक्ट उसे हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। सो आइए इसको भी हम देखते हैं क्या है। द किडनैपर सेड इफ यू डोंट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय। सो हमारा इसमें करेक्ट क्या है? द किडनैपर्स थ्रेटन्ड दैट इफ द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट पे द रैंसम द बॉय विल बी किल्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, देयर इज अ स्लग इन माई लेट्यूस वेटर ही क्राइड। सो इसमें करेक्ट क्या है? He exclaimed with disgust that there was a slug in his lettuce and called the waiter. ये हमारा बी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, I hope you will have a good journey. I said, I also said goodbye. So हमारा जो इसमें सही है ये हमारा ए है। I bade him goodbye and hope that he would have a good journey. आइए फ्रेंड्स अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, You used to be good at grammar. I said I. Why have you neglected it? So इसमें जो हमारा करेक्ट है वो क्या है? That is D. I asked him that why had he neglected grammar when he used to be good at it. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, आई इनवाइटेड रामा टू कम फॉर अ ड्राइव द फॉलोइंग डे।
इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है, दैट इज बी, आई सेड टू रामा विल यू कम फॉर अ ड्राइव द नेक्स्ट डे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 से 58 आर रिलेटेड टू चेंज इन द वॉइस, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन। इसमें हमको वही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, सो अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है। तो है, आइए देखते हैं, दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर। सो इसमें जो करेक्ट है वो क्या है, ए, द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन, दिस वन इज राइट। नेक्स्ट है हमारा, द ऑर्गेनाइजर्स विल एग्जिबिट द पेंटिंग्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। इसमें हमारा सही क्या है, इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, द पेंटिंग्स विल बी एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट है हमारा, ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। सो इसमें सही है हमारा, ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड अ जॉब, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, द पीएम वाज टू हैव ओपेंड द ड्राई डॉक। इसमें हमारा सही क्या है, 56 का इसमें ए सही है, द ड्राई डॉक वाज टू हैव बीन ओपेंड बाय द पीएम। नेक्स्ट है हमारा, द अनइजी साइलेंस सक्सीडेड द स्लॉट। सो इसमें हमारा सही क्या है, द शॉट वॉज सक्सीडेड बाय एन अनइजी साइलेंस, ये हमारा भी सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही क्या होगा, द अथॉरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, दिस वन इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 से 64 तक, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम दोज गिवन आफ्टर एवरी सेंटेंस। ये बेसिकली इन चार प्रीपोजिशंस में से हमें एक इसमें चूज करना है और वो फिल इन द ब्लैंक्स में ये वो करेक्ट होगा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू गेटिंग, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू गेटिंग एट। सो हमारा इसमें जो सही प्रीपोजिशन है वो क्या होगा, दैट इज एट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू गेटिंग एट। नेक्स्ट है हमारा, ही शूक मी बाय द हैंड। नेक्स्ट है हमारा, ही इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विद हर कॉस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज क्वाइट वॉर्न आउट। सो आइए अगला हम देख लेते हैं, वी सेट फिल इन द ब्लैंक से, एज सून एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस। सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा, वी सेट ऑफ एज सून एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड ऑफ द, सॉरी पॉइंटेड आउट द वे टू अस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज। सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज डी, और नेक्स्ट है हमारा, द पुलिस एक्यूज द यंग मैन ऑफ मर्डर, जो इसमें हमारा करेक्ट है दैट इज ऑफ है। आइए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। इसमें हमें स्पेशली पंचुएशन मार्क्स की बात की गई है, देख ये सिलेक्ट करना है कौन से सेंटेंस पंचुएटेडली वो करेक्ट हैं, पंचुएटेड सेंटेंसेस को देखना है, दैट इज करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस को हमको इसमें देखना है। सो स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड,
सो जो हमारा ये 65 है इसमें फ्रेंड्स जो राइट है दैट इज बी स्प्लिक क्लियरली कॉमा इफ यू वुड बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट। सो इसमें हमारा जो करेक्ट क्या है वेल्थ में सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट। इसमें जो हमारा ए है दैट इज राइट, ये हमारा राइट है। आइए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच ए मॉन्स्टर्स दैट यू डिस्क्राइब। सो इसमें क्या हमारा सही है परहैप्स दिस विल बी इन इन्वर्टेड कॉमा क्राइड ही फिर कॉमा देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब। नेक्स्ट है हमारा देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। सो इसमें हमारा सही क्या है बी सही होगा देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये हमारा है एल्यूजन। सो एल्यूजन बेसिकली क्या होता है सो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही है दैट इज एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट और पासिव सॉरी एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट पर्सन प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। नेक्स्ट है हमारा हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट कौन कहा जाता है सो वो हमारे हैं जॉन मिल्टन। आइए अगला देख लेते हैं ये हमारा ये 71 से 75 तक दिस इज अनसीन पैसेज। इन क्वेश्चन 71 टू 75 यू हैव अ पैसेज रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव। सो हमें इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है फ्रेंड्स और हमें जो राइट आंसर है क्वेश्चन इसमें पुट अप किया गया है और इसमें से हमको एक जो राइट आंसर है वो सेलेक्ट करना है। तो आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर आवर गोल्स। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म देयर इज नो डिस्कवरी ऑफ ग्रेटर सपोर्ट इम्पोर्ट देन दिस। सो लॉन्ग एज वी इंगेज इन मुंडेन एक्शन सो लॉन्ग एज सोल एंड बॉडी आर टुगेदर सम वायलेंस विल कंटिन्यू टू ऑकर थ्रू आवर एजेंसी बट वी मस्ट रिनाउंस एट लीस्ट द violence that is possible for us to renounce. We should understand that less violence a religion permits, the more is the truth contained in it. If we can ensure the deliverance of India, it is only through truth and non-violence. Many people have the habit of hiding their own sentiments when is the presence of an important person and suiting their talk to his pleasure. They don't realize how usually they deceive themselves and harm the truth. One must say what one feels. It is impertinence to go against one's reason. One must not hesitate the least to tell what one must say. What one feels. It is impertinence to go against one's reason. One must not hesitate the least to tell what one feels to anyone, be he a minister of the government or even a more exalted person. Deal with all with truth and non-violence. So friends, अब आइए हमने इसके आगे हम और देख लेते हैं क्या है हमारा। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 71 इम्पोर्ट। सो यहाँ पे जो इम्पोर्ट है बेसिकली इम्पोर्ट हियर मीन्स व्हाट। सो इम्पोर्ट हियर मीन्स इम्पोर्टेंस। जो इम्पोर्ट है इसका मतलब इसको
यहाँ इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्टेंस से बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा सो लॉन्ग एज सोल एंड बॉडी आर टूगेदर मीन्स सो लॉन्ग एज वी आर लाइव। सो ये इसका मतलब क्या है, सो लॉन्ग एज सोल एज बॉडी मतलब है कि जैसे इसमें बताया गया है सो लॉन्ग लंबे समय तक, जैसे कि हमारी सोल और बॉडी जो होती है वो साथ होते हैं। सो इसका मतलब है कि सो लॉन्ग लंबे समय तक एज वी आर अलाइव, जब तक हम जीते हैं तब तक हमारी सोल और बॉडी जो होते हैं हमारे साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरेंस इम्प्लाइज, इस पैराग्राफ में डिलीवरेंस क्या इम्प्लाई करता है। सो डिलीवरेंस इम्प्लाई द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश डोमिनेंस, जो डिलीवरेंस है वो फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश डोमिनेशन को इम्प्लाई करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74, पीपल हाइड देयर ऑन सेंटीमेंट्स बिफोर एन इम्पोर्टेंट पर्सन। जो लोग होते हैं वो बेसिकली अपने सेंटीमेंट्स को छिपाते हैं किसके सामने, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं। क्यों? सो इसमें जो राइट है बिकॉज दे वॉन्ट टू फ्लैटर एंड प्लीज हिम। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द मोस्ट ट्रूथफुल धर्मा, जो सबसे ट्रूथफुल धर्म है वो क्या है, दैट विच डिस्करेजेस वायलेंस, जो वायलेंस को डिस्करेज करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक, ये भी हमारा पैसेज ही है। सो फ्रेंड्स इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। दो फॉन्ड ऑफ मेनी एक्वेंटेंसेज आई डिजायर एंड इंटीमेसी ओनली विद अ फ्यू, द मैन इन ब्लैक हुम आई हैव ऑफन मेंशनड इज वन हुज फ्रेंडशिप आई कुड विश टू एक्वायर बिकॉज ही पजेसेस माई इस्टीम, हिज मैनर्स इट इज ट्रू आर टिंक्चर्ड विद सम स्ट्रेंज इनकंसिस्टेंसीज एंड ही मे बी जस्टली टर्म्ड अ ह्यूमरिस्ट इन अ नेशन ऑफ ह्यूमरिस्ट एंड ही मे बी जस्टली टर्म्ड अ ह्यूमरिस्ट इन अ नेशन ऑफ ह्यूमरिस्ट सॉरी दो ही इज अ जेनरस इवन टू प्रोफ्यूजन ही इफेक्ट्स टू बी थॉट अ प्रोडिगी ऑफ पार्सिमोनी एंड प्रूडेंस दो हिज कन्वर्सेशन बी रिप्लीड विद मोस्ट सॉर्डिड एंड सेल्फिश मैक्सिम्स हिज हर्ट इन डायलेटेड विद द मोस्ट अनबाउंडेड लव आई हैव नोन हिम प्रोफ्यूज हिमसेल्फ अ मैन हेटर वाइल हिज चेक वॉज ग्लोइंग विद कॉम्पैशन एंड वाइल हिज लुक्स वर softened into pity, I have heard him use the language of the most ill-bounded ill nature, some affect humanity and tenderness, others boast of having such a dispositions from nature, but he is the only man I ever knew who seemed ashamed of his natural benevolence, he takes as much pains to hide his feelings as any hypocrite would to conceal his indifference, but on every unguarded moment the mask drops off and reveals him to the most superficial observer. So आइए basically देख लेते हैं इसमें paragraph में जो questions दिए गए हैं इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। बिकॉज ही पोजेस मेनी स्टीम मीन्स ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 76। सो बिकॉज ही पोजेस बहुत सारे स्टीम्स को पोजेस करता है मतलब आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, जो ये हमारा बी है दैट इज राइट। नेक्स्ट है ह्यूमरिस्ट हैज बीन यूज्ड फॉर ह्यूमरिस्ट, यहाँ किसके लिए यूज किया गया है, वन हु इज कैप्रिशियस, जो कैप्रिशियस होता है उसके लिए ह्यूमरिस्ट हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट है हमारा पार्सिमोनी, पार्सिमोनी रिफर्स टू
अवॉइडेंस ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट है हमारा ग्लोइंग विद कॉम्पैशन इंप्लाइज फुल ऑफ पिटी। नेक्स्ट है रिवील्स हिम मींस, रिवील्स हिम का मतलब बेसिकली क्या होता है, मेक्स हिज टैलेंट गुड गुडनेस इविडेंट, सॉरी मेक्स हिज लेटेंट गुडनेस इविडेंट। तो फ्रेंड्स आइए अगला हम देख लेते हैं, ये भी हमारा पैसेज ही है, ये 81 से 90 क्वेश्चंस के बीच है, इसमें भी हमको ये पैसेज दिया गया है और ये आंसर को हमको देखना है। सो आइए देखते हैं। ही इज अ वेरी स्किल्ड मैन, समटाइम्स ही स्टैंड्स हिज ड्रिल मोर देन अ माइल इन टू द अर्थ, देयर इज अ लॉट ऑफ लक इन द इन ड्रिलिंग फॉर ऑयल, द ड्रिल मे जस्ट मिस ऑयल although it is near, on the other hand it may strike oil at a fairly high level, when the drill goes down it brings up soil, the samples of soil from various depths are examined for traces of oil, when we buy a few gallons of petrol for our car we pay not only the cost of petrol but also part of the cost of search that is always going on. So hamara question isme kya hai, whales are jo whales hai wo kya hai, the largest animals living on land at present, jo largest animals hain aur wo kahan rehte hain, land pe rehte hain। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल ऑयल, वॉज नॉट नोन टू पीपल इन एंशियंट टाइम्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा द टर्म मिनरल ऑयल रिफर्स हियर टू, जो मिनरल ऑयल है यहाँ पे क्या रिफर करता है, द ऑयल फ्रॉम विच पेट्रोल इज मेड। नेक्स्ट है हमारा ऑयल बर्निंग लैंप्स, सो ऑयल बर्निंग लैंप्स आर नॉट वेरी मच इन यूज नाउ, जो ऑयल बर्निंग लैंप है वो आज बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है हमारा, ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन इज, जो लुब्रिकेशन होता है उसका पर्पज क्या होता है, रिडक्शन ऑफ हार्ट एंड फ्रिक्शन, दिस ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल ऑयल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन इंजन इंजीनियर्स इन्वेंटेड द इंटरनल कंबसन इंजन। सो इसमें हमारा ये जो 86 है इसमें ए राइट है। साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, साइंटिस्ट का क्या ओपिनियन है कि ऑयल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम सी वाटर व्हेन इट वॉज एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो ये हमारा जो डी ऑप्शन है फ्रेंड्स ये सही है। नेक्स्ट है हमारा द ऑथर ओपाइंस दैट वेयर देयर इज अ शेल देयर इज लाइकली टू बी ऑयल बिकॉज शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक। सो इसमें क्या है, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा 89 द ड्रिल द ऑयल ड्रिल, ये ऑयल ड्रिल क्या है, ऑफन गोज अबाउट अ माइल इन टू द अर्थ, ये हमारा इसमें जो 89 है इसमें सही है सी। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ अनसक्सेसफुल ड्रिलिंग, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, इज बोर्न बाय कंज्यूमर ऑफ पेट्रोल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू, अच्छा यू टू यूज करके हमें इन सेंटेंसेस को रीराइट फिर से लिखना है। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा सही क्या है,
फ्रेंड्स हमारा जो सी है ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, जो ये हमारा सेंटेंस है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, इसमें जो करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस है वो हमें टिक करना है और दैट इज बी, दे इनवोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्टली, इसमें भी पंचुएटेड सेंटेंस को हमें देखना है कौन सा सही है। सो क्वेश्चन नंबर बी, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। नेक्स्ट है हमारा ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना आउट ऑफ लव। नेक्स्ट है हमारा शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने क्या लिखा है, रोमांटिक कॉमेडीज। नेक्स्ट है द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड देम मीनेस्ट इज सेड ऑफ, ये द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड देम मीनेस्ट किसके लिए कहा गया है, ये बेकन के को कहा गया है। सो हमारा राइट आंसर क्या है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 97, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट करना है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो इसमें हमारा है, सॉरी, स्ट्रेटफोर्ड एट एवॉन, दिस वन इज राइट आंसर, इस अपॉन नहीं होगा, दिस वन इज रॉन्ग। सो शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड एट एवॉन। नेक्स्ट है हमारा, और बॉडीज आर और गार्डन्स टू विच और विल्स आर गार्डनर्स, ये जो स्पीच है ये किसकी है, द एबव वर्ड्स फॉर्म द स्पीच ऑफ आइगो। नेक्स्ट है हमारा, रॉबर्ट सदे वॉज सक्सीडेड बाय वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा, लेट अस गो देन यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इन इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, द अबव लाइन हैव बीन रिटन इन, ये जो लाइन्स है ये किस में लिखी गई है, ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, सार्टस रिसोर्टस इज अ थॉट प्रोवोकिंग वॉक ऑफ, सार्टस रिसोर्टस जो है ये किसका वॉक है, ये कैरलील का है। नेक्स्ट है हमारा, इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मॉन्यूमेंटल पोएटिकल वर्क, सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू हिम होम दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवेन। सो कहने का मतलब है कि 1637 में मिल्टन ने कन्फाइड किया था अपने फ्रेंड को कि ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम, कुछ मॉन्यूमेंटल पोएटिकल वर्क को लिखने में उन्होंने अपने माइंड को फिक्स किया हुआ है। सो हमें वो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एमंग द फॉलोइंग द नेम, अच्छा किस फ्रेंड्स को उन्होंने कहा था, से कहा था कि ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मॉन्यूमेंटल पोएटिकल वर्क। सो इसमें हमारा जो सही है दैट इज बी, उन्होंने एडवर्ड किंग से बोला था। नेक्स्ट हमारा, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर स्पोर्ट। अबव लाइंस बाय शेक्सपियर, ये जो शेक्सपियर की लाइन है ये किस प्ले में हमें मिलती है, ये हमें किंग लियर में देखने को मिलती है। अगला बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, द वुमेन कैरेक्टर डेलिया अपीयर्स इन, जो वुमेन कैरेक्टर डेलिया है वो हमें किस प्ले में देखने को मिलती है।
सो दैट इज सैमसन एगोनिस्टिस। नेक्स्ट है हमारा गोल्सवर्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। गोल्सवर्थी को नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर कब मिला है? दैट इज 1932 में गोल्सवर्थी ने नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर गेन किया है। नेक्स्ट है हमारा विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एबव द एबव लॉन्ग एगो। ये किसमें से लाइन ली गई है फ्रेंड्स? सो ये जो हमारी लाइन्स है ये सॉलिटरी रीपर से ली गई है। क्या है लाइन हमारा? विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेनिटिव नंबर फ्लो फॉर ऑल अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स। आइए अगला हम देख लेते हैं। हाँ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज रिटन बाय आर्थर मिलर। नेक्स्ट है हु मेड द डेविल्स रिमार्क विदाउट मिल्टन। मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। सो ये किसने रिमार्क किया है? सो ये जो रिमार्क है दैट इज डन बाय कोलरिज। ये कोलरिज के द्वारा किया गया है। मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन दिस लाइन। ये किस पोयम की लाइन है? सो ये जो हमारी लाइन है वो हमारे टिंटन एबे के हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ओनोमेटोपोया है। नेक्स्ट है हमारा द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लिश टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट अ प्ले रिटन बाय आर्थर जोन्स। नेक्स्ट है इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवेल वी कम अक्रॉस अ कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर मिकॉबर। चार्ल्स डिकेंस के किस नॉवेल में हमें ये कैरेक्टर मिस्टर मिकॉबर मिलते हैं? सो दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। और नेक्स्ट हमारा टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट्स राइटिंग एज वंस कॉल्ड। सो हमारा इसमें करेक्ट क्या होगा? दैट इज ए प्लेजरिज्म। जो हम किसी दूसरे पर्सन के थॉट्स को यूज करते हैं राइटिंग में सो इसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ फ्रेज क्वाइंड बाय ये कोलरिज के द्वारा। ये जो फ्रेज है हमारा ये क्वाइन किया गया है। क्या है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। नेक्स्ट है हमारा द चौसेरियन स्टैंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेस 7 लाइन। तो चौसेरियन स्टैंजा होते हैं या राइम रॉयल होता है वो बेसिकली 7 लाइंस का होता है। नेक्स्ट है द लिटिल मैन रिटन बाय गोल्सवर्थी इज एन। जो लिटिल मैन है ये गोल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया ये क्या है? ये एक वन एक्ट प्ले है। नेक्स्ट है हमारा अ सडन एंड रिडिक्यूलस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल एंड पैथेटिक अचीव्स द रिडिक्यूलस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म। सो अ सडन एंड रिडिक्यूलस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल एंड पेशेंट पैथेटिक अचीव्स द लिडिक्रूअस इज द बेस्ट एक्सप्रेस बाय द टर्म। किस टर्म्स के द्वारा इसको हम सबसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं? दैट इज बैथोज। सो ये जो लाइन्स है ये बैथोज के बारे में कही गई है।
वेथोस की डिफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सवरेन। पहले पोएट लॉरेट कौन थे जो ब्रिटिश सवरेन के द्वारा अपॉइंट किए गए। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेन जॉनसन। नेक्स्ट है द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन कॉइंड बाय। जो ये फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है ये किसके द्वारा कॉइन किया गया है, ये T.S. इलियट के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 120 से 21। टिक द करेक्ट एक्सप्रेशन। सो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमको जो करेक्ट एक्सप्रेशन है उसको देखना है। सो ए है आई एम फेड विद यू, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड ऑफ यू, आई एम फेड ऑफ विद यू। सो इसमें जो हमारा करेक्ट क्या है, यू क्या है, आई एम फेड अप विद यू, दिस वन इज, ये हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू डू, लुक बिफोर यू वॉक, लुक बिफोर यू लीप, लुक फर्स्ट एंड देन लीप। सो इसमें जो हमारा करेक्ट है वो क्या है, लुक बिफोर यू लीप। नेक्स्ट है हमारा ये क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, एरर्स ए बी सी एंड सम ऑफ सेंटेंस हैव एरर्स इन वन पार्ट, सम हैव फाइंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज। अच्छा इसमें भी हमें एरर देखना है कि किस पार्ट में एरर है। सो बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। सो ये जो हमारा 122 है इसमें ये जो हमारा बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, इसमें देयर इज नो एरर, ये जो इस सेंटेंस में हमारा कोई भी एरर नहीं है। सो ये हमारा लास्ट जो डी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 123, इट इज रियली स्ट्रेंज दैट ही हैज नॉट रिप्लाइड माय लेटर। सॉरी फ्रेंड्स, सो इसमें जो है दिस वन इज, ये हमारा जो है इसमें एरर बताइए, जो सी ऑप्शन है दिस इज, इसमें ग्रामेटिकली ये इसमें एरर है। नेक्स्ट हमारा है मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, ये हमारा 124 है, इसमें क्या है, ये इसमें भी ये हमारा सी जो है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट है ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें क्या है, जो हमारा ये सी है दैट इज इनकरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट, ये जो हमारा सी है ये हमारा इसमें हमको दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने TGT 2010 के क्वेश्चन पेपर की बात की। सो अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।